नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि नाव और मैं जयदत्त पिंटू। आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पीछे में आदिवासी विभिन्न संगठनों की एक बहुत बड़ी रैली आ रही है। इस रैली में नारे लगाए जा रहे हैं कि ईसाई पादरियों होश में आओ, धर्मांतरित आदिवासियों को आरक्षण देना बंद करो, और इस प्रकार के नारे लगाते हुए एक भारी जन समुदाय आदिवासियों का हमारे समक्ष आ रहा है। इस प्रकार से बात फिलहाल जो है रैली बहुत तेजी से सब लोग बंद करो, धर्मांतर आदिवासियों का छन देना बंद करो, धर्मांतर आदिवासियों के सूची से बाहर करो, धर्मांतर आदिवासियों के सूची से बाहर करो, धर्मांतर आदिवासियों का छन देना बंद करो। इनके बीच में आज विरोध का स्वरूप उत्पन्न हो गया है और अपनी मांगों को लेकर के कि इन लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिल सके, इन लोगों तक भी विकास की रोशनी पहुंच सके, ये लोग आज अपने अलग अलग संगठनों के बैनर तले यहां पर आए हैं। बहुत भारी संख्या में महिलाएं इस देख पा रहे हैं, धर्म में गए हैं, मेरा रूढ़ी रिवाज की परंपरा को छोड़ दिए हैं, उसी के इसकी का दर्जा ना ले, इसके विरुद्ध। आप लोग चाहते हैं कि जो ईसाई बन जाए उन लोगों को एसटी का दर्जा ना मिले? ना मिले, लेकिन वो लोग तो आवाज उठाते हैं कि हम लोग भी आदिवासी हैं। नहीं, वो हमारा बात है, मेरा मुर्गी पूजा खुशी पूजा ये सब पूजा नहीं करता, मेरा सरना स्थान है, फूल नहीं चढ़ाता, मेरा प्रसाद नहीं करता, उसको बंद करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि नाव और मैं विजय दत्त पिंटू। आज राजधानी रांची में आदिवासी के विभिन्न संगठनों की एक बहुत बड़ी महारैली निकली है और ये रैली किस लिए है इसके बारे में जानने के लिए हम बात करते हैं हमारे साथ में इस रैली का आयोजन करने वाले सुरक्षा मंच के संयोजक भगवान कार्तिकुराम को स्मरण करते हुए हम सब लोग एकत्रित का जो पार्लियामेंट बैठक में जो उठाए थे किसी कारणवश दबी रही उस सूची से डिलीट किया जाए, इसी चलते जनजाति महारैली डिलिस्टिंग का किया गया। संदीप जी, वो लोग भी तो मांग करते हैं कि हम लोग भी आदिवासी हैं, तो फिर उन लोगों को इस लिस्ट से बाहर क्यों करना चाहते हैं? कहीं ना कहीं बटने लगेगा, वो लोग कहते हैं कि हम लोगों को तोड़ा जाता है कि सरना अलग है और ये अलग है, जबकि हम लोग सामूहिक रूप से आदिवासी ही कहलाते हैं। तो फिर की सहायता से आप देख सकते हैं कि ये हाथों में तकिया लिए हुए हैं कि जनजाति सुरक्षा मंच जिंदाबाद, जो कुल देवी को छोड़ेगा आरक्षण वो खोएगा, जो भोलेनाथ और छोड़ेगा पहचान जैसे नारे की तख्तियां लिए हुए यहाँ पर भारी संख्या में आदिवासी बहनें उपस्थित हैं। तख्तियों से इन लोगों के चेहरे से जो बात झलक रही है वो ये है कि अपनी संस्कृति, अपने धर्म के
प्रति इन लोगों में एक प्रतिस्थापन की स्थिति है और ये अब उठ खड़े हुए हैं कि जो के नाम आरक्षण दिया जाता है वो आरक्षण सिर्फ और सिर्फ जो ये जो समाज के लोग हैं कि जो लोग इनके धर्म संस्कृति का सम्मान नहीं करते हैं उन लोगों को कभी भी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाए, आरक्षण का लाभ सिर्फ उन्हीं को दिया जाए। और इस रूढ़िवादी सरना धर्म धर्म को मानते हैं और जो सरना इसी मांग को लेकर के आज भारी संख्या में आदिवासी समाज के लोग यहां पर आए हुए हैं, अपने पारंपरिक वेशभूषा में आए हुए हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सरना समाज का एक मुख्य परिधान है जो कि हर संस्कृति कार्यक्रम हो या फिर कोई त्यौहार हो, पर्व हो या कोई भी विशेष अवसर हो, उसमें ये लाल पाड़ की साड़ी पहने हुए आपस में सब एकत्रित होते हैं और उसी आज आदिवासी समाज का जो सांस्कृतिक परिधान है उसी परिधान में ये भारी संख्या में महिलाएं भी आई हुई हैं, बच्चे भी हैं और सभी के सामने आपको पूर्व में यहाँ के जो सांसद रहे थे कार्तिक उरांव जी, उनका कार्तिक उरांव अमर रहे पूरा आपको तकति मिल जाएगा। और अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी पहचान के अधिकार की मांग को लिए ये सभी में तकतियाँ लिए हुए हैं। आइए बातें करते हैं। आदिवासी समाज का हर तरफ से हनन हो रहा है ना। एक तो हमारा हमारे समाज को जो सीधे साधे लोग होते हैं गांव देहात में चाहे कहीं भी हो, उन लोग को किसी प्रकार का लालच देकर या तो फिर और किसी प्रकार का प्रलोभन देकर उन लोग को धर्म परिवर्तन कराते हैं, चाहे शिक्षा के माध्यम से भी कराते हैं, खेल के माध्यम से भी कराते हैं। इसके हम लोग का आदिवासी को आरक्षण हमारा सुरक्षित मेरा अधिकार अपने को मिले, वो लोग धर्म परिवर्तन करके किसी भी हमारे नियम का पालन वो लोग नहीं करते और अधिकार हमारा ही खा रहे हैं। आदिवासी कहलाते हैं, जनजाति कहलाते हैं, हम लोग काम होता है इसे बोलते हैं, ये हम लोग के लिए बर्दाश्त नहीं है। तो वो लोग भी तो कहते हैं कि वो लोग भी आदिवासी पैदा होते हैं लेकिन अपना रास्ता सारा चीज छोड़ जो सरना धर्म के लोग हैं उन लोगों के साथ में भी तो उनका शादी ब्याह सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होना चलता रहता है, तो उसे कैसे अलग करेंगे? शादी ब्याह देखिए, इंसान को तो कहां में जा सकता है कौन सा क्या कर रहे हैं, है ना। ये तो कोई भी तो अपना एक बचा नहीं पाते हैं, समाज का एक सभी का अपना अपना कैटेगरी है, सब अपने। तो ये जो धर्म परिवर्तन का जो सिस्टम चला आ रहा है हम लोग तो खत्म करने के कगार पर है और जिस दिन आदिवासी खत्म हुआ उस दिन सारा चीज खत्म हो जाएगा। आदिवासी खत्म हुआ उस दिन सारा चीज हो जाएगा, ये कहने अलग होने की भी बात नहीं, वो तो पहले से अलग है। मैं आपको बताता हूँ कि ईसाइयों के बारे में डिफिनेशन है, ईसाइयों को तीन कैटेगरी में बांटा गया, एक यूरोपीय ईसाई, एक इंडियन ईसाई। भारत के जो लोग कन्वर्ट हो गए हैं उसको भारतीय ईसाई कहा जाता है। भारतीय ईसाई को आज भी संविधान में कहीं इस बात की चर्चा नहीं है कि जो कन्वर्टेड भारतीय ईसाई को अनुसूचित जनजाति का लाभ मिले, लेकिन जो आदिवासियों के रूप से जो ईसाई धर्म का मनाया है उन लोगों को जनजाति के रूप में मिलने वाला हक अधिकार आरक्षण से रोजी रोजगार का अधिकार दिया जा रहा है। यह संविधान की अवहेलना एससी समाज के लिए बहुत स्पष्ट प्रदान किया गया है। जो एससी समाज का व्यक्ति अनुसूचित जाति समाज का व्यक्ति अपने
बाद से लेकर के अभी तक हम लोगों के साथ यही अन्याय हो रहा है कि हमारे बीच के लोगों को मतांतरित करा रहे हैं, लोग मतांतरित करा रहे हैं। और ये मतांतरित लोग एक तरफ अल्पसंख्यक का भी लाभ लेते हैं, दूसरी तरफ जनजाति का भी लाभ लेते हैं। इस तरह से हम लोग पूरा लाभ ले रहे हैं। या तो लोग जनजाति रहो तो पुरानी रिवाज मानो, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन में दिया गया है, जैसा कि मुस्लिम आश्रम दिया गया जो क्राइटेरिया है, अगर आप छोड़ दिए, जो व्यक्ति धर्म छोड़ता है उसके साथ साथ में उसकी संस्कृति रीति रिवाज परंपरा पूजा पाठ जो सनातन परंपरा है, जो मूल परंपरा है, आदिवासी परंपरा है, वह छूट जाता है। इसलिए हमारा कहना है कि हमारे साथ न्याय हो और उसके लिए हमारे वर्गीय कार्तिक राव जी, पंखरा साहब कार्तिक राव जी ने 1970 में एक बिल भी पेश किया था, जैसा संविधान संशोधन लागू किए और जनजाति के लिए भी वैसा ही प्रावधान हो जाए, लेकिन पारित नहीं हो पाया। और आज भी लंबित है, उसी को हम कह रहे हैं कि पुनः पूरे देश के 12 करोड़ जनजाति समाज जो मूल जनजाति समाज के लोग हैं, वो मांग रहे हैं कि हमारे साथ न्याय हो, सभी समाज के साथ न्याय आप करते हैं, हमारे समाज के साथ भी न्याय हो, हमारे वंशज है पीढ़ी है उनके साथ न्याय हो। इतने वर्षों तक 75 वर्षों तक तो न्याय नहीं हुआ, लेकिन हम चाहते हैं कि आज़ादी का जो स्वर्ण काल होगा, अभी तो अमृत काल होगा, स्वर्ण काल होगा उसे पाएंगे, अमृत काल बनाते हुए हम लोगों को न्याय दिया जाए। जिस प्रकार से उसी के लिए हम लोग प्रदान किया, वैसा ही अनुसूचित जनजाति के लिए प्रदान करके इसको बहुत स्पष्ट रूप से हम लोगों को न्याय दिया जाए। दोनों समाज एससी और ओबीसी, दोनों समाज वैध समाज है, दोनों वंचित से पीड़ित समाज है, इनके लिए तो स्पष्ट आपने किया है, लेकिन अनुसूचित जनजाति समाज को स्पष्ट क्यों नहीं स्पष्ट किया जाए? संशोधन है, हम लोगों को न्याय मिलेगा। यही जनसंख्या अभी रांची में इस मैदान में हम लोग जुलूस निकाला, अभी सभा में हम लोग बैठे हुए हैं, हमारी मांग यही है, न्याय हो, आजादी के बाद न्याय नहीं होगा, ये न्याय बोले इसी मांग पूरे देश में, देश में अनुसूचित जनजाति समाज जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर पूरे देश का इस मांग को मांग लिया। राष्ट्रीय रूप से हम लोग राष्ट्र को ज्ञापन करें, अनुसूचित जनजाति समाज कौन होगा कौन नहीं होगा इसको तय करते हैं राष्ट्रपति। इसलिए हम राष्ट्रपति से यह मांग कर रहे हैं कि आप लोग न्याय करें और संविधान में संशोधन विधेयक ला कर स्पष्ट रूप से हम लोग तक न्याय नहीं मिला, न्याय मूल जनजाति समाज को मिले, यही मांग है। ला के करते हैं वैसा ही ये मतांतरित लोग भी हमारे समाज के लोगों को बहला पुछला भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा बेटी से ये ठीक है कि उन्होंने वो हमारे समुदाय के मूल धर्म परंपरा रीति रिवाज और रूढ़ियों को छोड़ करके परंपराओं को अलग संस्कृति अपनाई, तो वो हमारे लोग कैसे हो सकते हैं और हमारे लोग जो मिलने वाले लाभ वो उसको कैसे ले सकते हैं? उनको यदि अलग से चाहिए तो मूल जनजाति समाज भी उनके लिए उनको मदद करेगी, आप मांगो हम लोग आपके साथ हैं, लेकिन हमारे हिस्से का लाभ और अधिकार और आरक्षण का अधिकार, रोजी रोजगार का अधिकार, वो अब हम देने के लिए तैयार नहीं है। 75 वर्षों तक हम लोगों ने इसको बर्दाश्त किया है, हम लेकिन हमारे साथ अन्याय हुआ है, अब अन्याय न हो इसके लिए हम लोग राष्ट्रपति को ज्ञापन भेज रहे हैं। जो दूसरे धर्म में चले गए हैं वो लोग अगर वापस आपके रूढ़िवादी परंपरा में आना चाहें तो फिर क्या आप उन्हें वापस स्वीकार कर लेंगे? देखिए, हम लोगों के समाज के अंदर बहुत समृद्ध समाज है, सभी चीजों के लिए बेस्ट है, यदि वो लौट करके आना चाहेंगे तो परंपरागत और रूढ़िगत तरीके से प्रथागत तरीके से शुद्धिकरण करके वो आ सकते हैं, उसके लिए हम लोगों के
करताहा होते हैं, हमारे पहान लोग होते हैं, करताहा होते हैं, अलग से व्यक्ति नियुक्त है समाज के अंदर, उस तरह के जो भी हो चीजें होती हैं उसको शुद्धिकरण करते शामिल कर लेते हैं। आना चाहेंगे तो स्वागत है, आइए, लेकिन आप अगर ईसाई धर्म अपना करके, मुस्लिम धर्म अपना करके जनजाति का लाभ लेते हैं तो निश्चित तौर पर वह संविधान की भी अवहेलना है और कानून की भी अवहेलना है और समाज के रीति रिवाज परंपरा को प्रदूषित कर रहे हैं। आप उसको छोड़ करके आ जाइए, हमारे करता आपको पूजा पाठ करवा करके शामिल करेंगे, हम लोग शामिल करते हैं। शंकर जी का कहना है कि जो हमको मान रहे हैं उन लोगों को और लाभ नहीं मिलने देंगे, अगर उन्हें आदिवासी कहलाना है तो उन्हें अब वापस अपने रूढ़िवादी में वापसी करनी पड़ेगी, उनका जो रूढ़िवादी परंपरा के अंतर्गत प्रक्रिया की तरह और उन्हें जो है सो जगह बड़ी में बदला करेंगे।